सर। दूसरा यहाँ सम्मान निधि का, तीसरा यहाँ पर श्रम का, आज लगा है किस प्रणाम ये है शिकेरा। यहाँ पर जो है कल कैंप लग सकता है, तो अपने आदमी इकट्ठे कर लो और सुबह जो है 10 बजे स्कूल में पहुंच जाओ। कितना मिलते हैं यहाँ पर? 150-200 पेंशन बननी है, ये ऑनलाइन सबका भरवा दो, और जब भरवा दोगे तो यहाँ के आदमी आपको माला पहनवाएंगे, फिर बढ़िया चाय पिलवाएंगे, तो ये कल करवा दो, ठीक है? अभी आप लीजिए, अभी हम चलते हैं। अब तुमने 1920 तो देखा नहीं होगा, 100 साल पहले कि एक गांव वाला जब दूसरे गांव पहुंचता था तो उसमें 50 मर जाते थे। बिल्कुल सही। जब अपने गांव में लौटता था इधर के 100 गायब हो जाते थे। तो सोचो उस समय क्या हो रहा होगा और आज क्या स्थिति है। बनने में टाइम लगता है, वैक्सीनेशन एकदम नहीं होता, वो तो क्योंकि कंप्यूटर की इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि गणनाएं तेज हो रही है। तो बैठा चलो चलो हॉस्पिटल में लगो, बना के लगो, क्योंकि इसमें कुछ तो कहता मुझको बुखार आ गया। इसका मतलब है कि इसके शरीर की जो सिपाही है वो इतने तेज है कि तुरंत रिएक्ट कर रहा है। रोका, जब रोकोगे तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है। बुखार तो गर्मी है ना, उसकी जो आपके सिपाही है उसको रोक रहा है, और इसको नहीं बुखार आया। मेरे वाले आराम से 12 दिन में तैयार हो गए, आप तो उस दिन तैयार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा दूसरी डोज लगी तब आया, हाँ तो उसके सतर्क हो गए ना, आपके तेज हो गए। और किसको? एक लड़की तो अभी उसी डर से ना लगा रही है कि हमको टीका आ गई थी। कौन सी थी लड़की, याद है आपको? अभी जो हम लोग गए थे ढलान से पहले लगा था, कभी आज से लगभग 40-50 साल से वो टीका लग रहा था, सब बच्चों को लगता है। चेचक का, चेचक का, चेचक का था वो, हमें लग चुका है। तो उसका प्रभाव से भी कुछ प्रभाव कम हो, बहुत कम ही था। बड़ी माता कहीं चेचक, बड़ी चेचक तो खत्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत खसरासरा होता है। उस समय भी ऐसी कहते थे ना लगवा ले कुछ, नाम देंगे हम। ये भी घोषित किया था उन्होंने, निकलती है अगर ज्यादा तकलीफ होती है तो अस्पताल में आराम मिल जाता। साहब इनको कोरोना हो गया था, बहुत परेशान था। तो हाईकोर्ट में ही हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद में इधर आया तो मैंने बल्कि कहा जो मेरे अपने अधिकार के लोग था उनसे कि मैं जाँच करा लूँ, मुझे लग रहा कोरोना। मैं जब होश में आया, एक महीने में वेंटिलेटर पे था, जब मैं होश में आया उसके बाद मैंने पहला फोन किया। वो गांव में होना चाहिए जिसको भी बुखार आए या लक्षण दिखाई दे। प्रधान जी आपके पास है? प्रधान जी नहीं होगी हमारे पास, ऑक्सीलेटर 700-800 रुपये का होता है। अब मैं उसको रास्ता बता रहा हूँ। कैसे चलना है, कैसे कैसे चलना है, सीधे सीधे। और क्या हाल चाल है? उसका बंद करो, क्या करो, ठीक लगे साफ करता है, ठीक लगे, ठीक है बंद कर रहे हैं। अरे बताओ कि पत्नी खाती तुम्हारी, क्या करती थी? बहुत अच्छा काम करो, कहती है नहीं रोकती, क्या कहती है अगले जन्म में सलाह करोगे तुम, कह दूंगा एक बार साथ मेरे घर साहब अपने महोबा के पूजा में कोई तकलीफ तो नहीं है? चाचा इस गांव में 80% लोगों को धुआं को बुजुर्गों को नहीं मिला, लेकिन पहले के लोग ऐसे, अभी बुजुर्ग टीका लग गए, लेकिन पहले कार्यकाल में बिल्कुल ये पंचायत सेक्रेटरी था। मिले ये रामाधार विधायक जी जो है
आपके मोदी जी भतीजी पेंशन का अभियान शुरू कराऊंगा यहाँ जी सर। ठीक है, कल परसों में कैंप लगवाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और जितनी भी की जो महिलाएं कल पेंशन का नियम है। बहुत अच्छा जी सर। ठीक, अभी इस गांव में कौन सुना ठीक है। ऐसे थे बुजुर्ग लोग, उनकी कोई पेंशन नहीं, लेकिन मोहल्ले में तो साथ एक दो लोगों के उतर तक पैसे मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते, किसी को नहीं मिल रहा है जी। बच्चे उनको श्रम काम सर, ऐसे लेडीज वगैरह भी आती हैं, सब ये इंतजार करती रहती हैं। तो स्टैंड पे कितने वाहन चलते हैं? कम से कम 40 तो खड़े नहीं, रिक्शा और टैक्सी 40 से कम 50 है। 40 जी सर। यही पर बोर्ड रोड पढ़ते हैं, कुछ वहाँ पर है पढ़ाई में। बैठो बैठो बैठो, अपना काम। तो आपको पेंशन मिलती है? परसों को भेजूंगा, परसों सुनते हो, परसों सोमवार को सब पेंशन के फॉर्म यहीं पे ऑनलाइन हो भरे जाएंगे। ठीक, तो परसों ध्यान रखना। अब परसों अगर चूक गए कहीं घूमने मत चले जाओ। मिला वैसे आपके गांव में आए हैं आज वैक्सीनेशन कराने के लिए, कैसा लग रहा है आप? सर मेरा नाम वंश गोपाल यादव वाला सम्राट यश भारतीय समाज। आज तक जब से जनपद महुआ बना, ऐसे जिलाधिकारी कभी ना आए गए, आए हैं और शायद लगता है आएंगे भी नहीं। उन्होंने एक एक आम जनमानस को, बुजुर्गों को घर घर जा कर के ये वैक्सीन लगवाने को कहा, और दूसरी बात जिनकी पेंशन नहीं है, बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की, उनको सबको उन्होंने कल ही आदेश किया कि सबको पेंशन मिलना चाहिए। और जो यहाँ फूटे हुए कुएं पड़े हैं, इमारतें पड़ी हैं, उनको तत्काल उन्होंने अपने प्रभाव से आदेश किया कि ये बनना चाहिए। हम हमारे गांव के लोगों को आज ये नहीं लगा कि हमारे छिकहरा में जिलाधिकारी आए, हमें ऐसा नहीं लगा। हम लोगों को सबको ऐसा लगा कि हमारे कोई घर के आदमी आ गए, सबसे मिलने, एक एक आदमी से। और मैं तो यही कामना करूँगा ईश्वर से कि वो जब भी यहाँ से जाएं तो आयुक्त महोदय बन करके जाएं। मैं उनको इन्हीं शब्दों से सम्मानित कर सकता हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। और ये जरूर वादा करता हूँ ये पदोन्नति करेंगे, और ईश्वर से हमारा निवेदन कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे बहुत बड़े अधिकारी बनते रहेंगे, क्योंकि ये जनता के मुखिया नहीं, ये जनता के सेवक बन के आए हैं। सबको ऐसा लग रहा कि ये तो हमारे घर के हैं। तो ऐसे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपनी उम्र के हिसाब से मेरी उम्र 75 साल है, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये आगे बढ़ते रहे। आप आए हैं किस कारण के लिए यहाँ आना पड़ा था? मेरे पास जब भी समय होता तो मैं गांव की ओर रवाना होता हूँ, जिससे गांव की समस्याओं को जान सकूँ। यहाँ का जो वैक्सीनेशन था उसमें कुछ चीज़ें मुझे परसों शाम पता चली थी, उसके आधार पर मैंने सोचा कि गांव वालों के सामने पहुंचा जाए, उनसे मिला जाए क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले मैं तो गांव वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस मिशन में पूरी तरह से आगे हैं। जो यहां पर समस्याएं देखी, कुछ पेंशन के समस्याएं हैं, विधवा पेंशन की, कुछ सम्मान निधि की समस्याएं बताई गई हैं, कुछ राशन कार्ड की हैं। इन सभी के संबंध में कल से लेके और परसों तक कैंप लगाकर यहाँ की समस्या का सोल्यूशन किया जाएगा। सर, प्रदेश में महोबा जनपद का वैक्सीनेशन में कौन सा स्थान है? प्रदेश में क्योंकि महोबा के जो रहने वाले हैं वो बाहर बहुत काम करते हैं,
जिसकी वजह से यहाँ का वैक्सीनेशन जो है वो लगभग 78% फर्स्ट डोज में आया है और हम उसमें प्रयासरत हैं। और गांव का जो शहर का है वो भी वैक्सीनेशन कम था, जिसको हम बढ़ा रहे हैं और हमारा सेकंड डोज जो है इस समय 40% से ऊपर टोटल पहुंच चुका है। तो हम बहुत जल्दी जो है 50% सेकंड डोज को और फर्स्ट डोज को लगा लेंगे और अगले 7 से 8 दिन में हम एक अच्छी पोजिशन पर ये वैक्सीनेशन पहुँच जाएंगे।